आज हम समझते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होती है। ट्विन फ्लेम्स एक सिमिलर सोल की दो डिफरेंट एनर्जीज हैं। जब ब्रेकअप हो जाता है उनका, एक एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दो तरह की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। आप यूनिवर्स में जाएंगे तो भी आप सेम सिस्टम चलेगा। एक मैस्कुलिन होती है, थोड़ी हार्ड होती है, एक फेमिनिन होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है। जब किसी भी कारणवश ये सोल की एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो डिफरेंट फ्लेम्स बनकर, डिफरेंट एनर्जीज बनकर, दो सोल्स बनकर आती है। और इसी का एग्जाम्पल हमारे पुराणों में शिव और पार्वती जी का दिया गया। एक आत्मा उनके दो हिस्से हो गए। एक पार्वती हर बार उस शिव को पाने के लिए तड़पती है। होता क्या है, इसको समझते हैं कि कुछ न कुछ कमी रहती है जीवन में, और कई बार तो तत्वों की कमी होती है। दो तत्व किसी में ज्यादा है, दो तत्व किसी में ज्यादा है। जो तत्व इसमें ज्यादा है वो तत्व इसमें कम है, जो तत्व इसमें ज्यादा है वो तत्व इसमें कम है, और एक तत्व कॉमन। तो ऐसा कई बार होता है कि बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन किसी व्यक्ति के लिए फील होता है। जो कमी होती है हमारे अंदर, वो उसके अंदर हमें पूर्ण दिखती है। ये समझने की चीज है कि जो कमी हमारे अंदर है वो उसके अंदर दिखती है पूर्ण होती हुई। हमारी स्टडीज अच्छी नहीं है, वो स्टडीज में बहुत अच्छा है। हम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो एक अट्रैक्शन, जिन चीजों की कमी होती है उसको सक करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें अट्रैक्शन फील होता है। उस सोल को मिलने की, एनर्जी को मिलने की इच्छा होती है। जेंडर कई बार सेम नहीं होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन से आप ऐसा नहीं समझें। बहुत बार दो सिस्टर्स, मदर डॉटर, फादर सन, ऐसे कोई भी रिलेशंस, फ्रेंड्स भी ट्विन फ्लेम बनते हैं। और वह मिलने के लिए, जुड़ने के लिए एक दूसरे को जबरदस्त तड़पते हैं। लेकिन जब मिलते हैं तो इनमें क्लैशेस भी बहुत होते हैं, क्योंकि फायर है और वो क्लैशेस जनरेट करती है। कई बार हम उनसे मैचअप नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही दूर जाते हैं फिर वो अट्रैक्शन, फिर वो कमी, फिर सब कुछ महसूस होने लगता है। जब ऐसा कहीं पे भी आपको महसूस हो, कुछ समय उनसे दूर होकर फिर से आपको लगे कि नहीं, उसके बिना जीवन अधूरा है, मुझे परिपूर्ण जीवन तब मिल रहा था, ये मेरी गलती थी कि मैंने क्लैशेस करे, सेम सामने वाला भी पार्टनर समझता है। तो क्लैशेस तो ट्विन फ्लेम में होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम दो आत्माओं को एक करने का, दो आत्माओं का एक होने का सिस्टम है। शिव और पार्वती का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पुराणों में दिया गया है। उनकी मिथोलॉजी आप समझिए, उनके सिस्टम को समझिए, उनके पूरे, जब जब पार्वती ने जन्म लिया, कैसे उनको मिली, कितनी साधना करी। और ऐसा ही अगर आपके जीवन में कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा ही अधूरापन आपको कंटिन्यूस, आप किसी रिलेशन में लेकिन आप परिपूर्ण नहीं समझ रहे हैं, आपको अधूरापन महसूस हो रहा है, किन्हीं चीज़ों की कमी महसूस हो रही है और उसकी सर्च कंटिन्यूस चालू है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अपने पार्टनर्स को, ट्विन फ्लेम पार्टनर्स को ढूंढने के लिए, ट्विन फ्लेम एक ही पर्सन होता है, जानने के लिए कि कैसे आपका अधूरापन दूर होगा, कैसे आपका जीवन परिपूर्ण होगा, कैसे आपकी आत्मा तृप्त होगी, कैसे जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप डेस्टिनेशन लेकर आए हैं और अज्ञानतावश उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अपने ट्विन फ्लेम्स को जानने के लिए आप हिप्नोसिस सेशंस लीजिए, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हो सकता हो आपके बहुत पास हो, हो सकता हो आप किसी कारणवश उनको अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं कर रहे हैं, हो सकता हो आप अज्ञानतावश उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वह सब सॉल्व हो सकता है एक हिप्नोसिस सेशन से। तो प्लीज कॉन्टेक्ट अवर ब्लेसिंग हीलिंग हब, आपके सॉल्यूशंस हमारे पास है। थैंक यू।